हेलो पॉपलोस, दिस इज योर आयुष भाई एंड आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे ग्रामर बुक का वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर जिसका नाम है पद परिचय। एंड यकीन करो ये जो चैप्टर है ना ये सच्ची में बहुत लंबा है, लेकिन ट्रस्ट मी इस वीडियो को अपना पूरा टाइम दो एंड तुम लोग अपने एग्जाम में इस चैप्टर से लेके आओगे फुल मार्क्स। एंड हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को ये जो चैप्टर है वो पूरा लाइफ टाइम याद रहने वाला है, क्योंकि मैं जो चैप्टर है वो बहुत ही अच्छे से डिटेल्ड मैनर में कवर करने वाला हूँ। तो आज की वीडियो में मैं हूँ तुम्हारा ग्रामर टेलर भैया, जो तुम लोगों को जो ग्रामर है वो बहुत ही अच्छे से कवर अप कराएगा। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड आज की 3D एनिमेटेड वीडियो का मजा लो। तो अब चलो हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे इस एक्सप्लेनेशन को। तो चैप्टर को समझने से पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पद क्या होता है, क्योंकि जो पूरा खेल है ना चैप्टर का वो पद के बारे में ही है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि एग्जैक्टली पद होता क्या है। तो तुम लोगों को सबसे पहले पद और जो शब्द होता है ये दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। शब्द क्या होता है? वर्णों का सार्थक समूह को हम लोग एक शब्द बोलते हैं, यानी कि प्रॉपरली जब वर्ड अरेंज होते हैं तब एक शब्द बनता है। और अब पद क्या होता है? जब कोई भी शब्द एक सेंटेंस में चला जाता है, यानी कि एक वाक्य में एंटर कर जाता है, यानी कि जब एक शब्द का प्रमोशन होकर वो एक और लेवल पे चला जाता है, तब वो एक सेंटेंस में जब वाक्य में घुस जाता है तो वाक्य का एक पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग पद बोलते हैं। तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझाओ तो देख लो, एक तुम्हारे स्क्रीन पे जो शब्द है चिंटू, और जब चिंटू एक वाक्य में चला गया है जो कि वाक्य है चिंटू खाना खा रहा है, तो बिना वाक्य का जो एक शब्द है चिंटू वो तो एक शब्द कहलाएगा, लेकिन जब चिंटू शब्द जब वाक्य में घुस जाता है तो वो पद कहलाने लगता है। तो पूरे चैप्टर में हम लोगों को पद के बारे में भी पढ़ना है, यानी कि एक चीज और कि पद परिचय होता क्या है। देखो पद का हम लोग डिटेल मैनर में परिचय देते हैं तो उसे हम लोग पद परिचय बोलते हैं। अगर मैं तुम लोगों का तुम्हारा परिचय मांगू तो तुम लोग क्या बोलोगे? सबसे पहले तो तुम लोग अपना एज बताओगे, फिर जेंडर बताओगे, फिर कहाँ रहते हो ये बताओगे, ठीक है? तो अपना परिचय दे रहे हो। वैसे ही जो शब्द है पद परिचय है, उसमें जब पद का डिटेल वे में परिचय दिया जाता है तो पद परिचय बोलते हैं। अब कोई भी शब्द का तुम लोग परिचय कैसे दोगे? व्याकरण के फॉर्म में बेसिकली तुम लोगों को पद परिचय बहुत ही अच्छे से देना पड़ता है। अब हम लोग जनरल क्वेश्चंस के बारे में जाने कि एग्जैक्टली इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेसिकली तुम लोगों को एक शब्द रेखांकित किया हुआ मिल जाएगा एंड उसका तुम लोगों को पद परिचय देना होगा, या कह सकते हो व्याकरणिक परिचय देना होगा। व्याकरणिक परिचय से तुम लोगों को थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि उसके बारे में क्या बताना होगा तुम लोगों को। बेसिकली तुम लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सब चीजों के बारे में बताना होगा कि इन सब में वो जो पर्टिकुलर वर्ड है वो आखिर है तो है क्या। उसके बाद भी हम लोगों को रुकना नहीं है, उसके बाद हम लोगों को ये पता करना होगा कि वो बेसिकली जो वर्ड है शब्द है वो संज्ञा के कौन सा भेद है, या फिर क्रिया तो क्रिया का कौन सा भेद है, सर्वनाम में तो सर्वनाम का कौन सा भेद है, विशेषण है तो विशेषण का कौन सा भेद है। और ये सारी चीजें पता करने के बाद तुम लोगों को पता करना होगा कि आखिर उसका लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, काल कौन सा है, उस वाक्य में कारक कौन सा यूज हुआ है। ये सारी चीजें तुम लोगों को पता करनी होगी। इसी चलते ये जो चैप्टर है ये वास्ट हो जाता है, क्योंकि बेसिकली पद परिचय अगर तुम लोगों को देना है तो इन सारे टर्म्स के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। अब एक उदाहरण की हेल्प से हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं। आयुष वैलेंटाइन में फिर से अकेला है। यार तुम लोग मेरी तरफ मत देखो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ तो तुम लोग हो। और कर भी क्या सकते हैं, अगर वैलेंटाइन में फैमिली वाले बाहर चल जाएंगे तो मैं उनके साथ थोड़ी जाऊंगा, मैं तो तुम्हारे लिए वीडियो ही बनाऊंगा ना। चलो इन बातों को छोड़ो और अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल को, उदाहरण को। आयुष वैलेंटाइन में फिर से अकेला है, तो तुम लोग क्लियरली स्क्रीन पे देख सकते हो कि आयुष पे अंडरलाइन कर दिया गया है जो कि मेरा नाम है। अब आयुष शब्द का तुम लोगों को पद परिचय देना होगा। तो इस शब्द को देखकर ही तुम लोगों को अगर थोड़ा सा नॉलेज होगा संज्ञा के बारे में तो पता चल गया होगा कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पहले सेंटेंस से तुम लोगों को पकड़ना होगा कि सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, या फिर क्रिया है, कौन सा वाक्य है। तो तुम लोगों को पता चल गया मेरा नाम दिया हुआ है यानी कि ये एक संज्ञा है। उसके बाद मेरा नाम कौन सा संज्ञा में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद तुम लोग क्या देखोगे? उसके बाद लिंग देखोगे।
तो वाक्य के अनुसार साफ साफ पता चल रहा है कि ये पुलिंग है, यानी कि पुलिंग है आयुष। तो सेकंड चीज लिख दोगे, पहला तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर पुलिंग, उसके बाद वचन। वाक्य को देख के वचन का पता चल रहा है कि एक वचन है। तो यही सब चीजों के बारे में तुम लोगों को बेसिकली पद परिचय में लिखना होता है। टेंशन मत लो, आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर संज्ञा क्या होता है और उसके अंदर के भेदों का हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं। चलो हम लोग संज्ञा से शुरू करते हैं। पहले किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के नाम को संज्ञा बोलते हैं। ये तो बचपन से तुम लोगों को पता ही है। अगर सिंपल वे में समझो तो दुनिया के जितने भी नाम है ना, सभी संज्ञा के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन घूम रहा है तो रोहन यहाँ है संज्ञा। उसके बाद घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो घोड़ा भी संज्ञा हो गया। बुढ़ापे में व्यक्ति बच्चा बन जाता है तो बुढ़ापा सब भाव के अंदर आता है, तो ये भी संज्ञा हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल के बारे में बताओ तो कह सकते हो कि दिल्ली इंडिया में है तो दिल्ली क्या हो जाएगा, हमारा संज्ञा हो जाएगा। गांधी जी देश के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं तो गांधी जी हम लोगों को हो जाएगा संज्ञा। इस पूरे संसार का जितना भी नाम है ना, सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब संज्ञा के अलग अलग भेदों के बारे में जानते हैं। तो अलग अलग भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। ये पांच भेद होते हैं संज्ञा के अंदर। चलो इन सारे भेदों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को हम लोग बेसिकली व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम, आगरा, दिल्ली, मोदी जी, हिमालय, पृथ्वी, ये सारी चीजें जिसका भी नाम होता है ना, वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद हम लोगों का क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जाति से तुम लोगों को क्लियर हो रहा होगा, जाति मतलब पूरा का पूरा खानदान। कैसे होता है? सपोज बालक। अब बालक में किसी का तो नाम नहीं है, पूरा समूह के बारे में बताया जा रहा है। बालक में जितने भी बच्चे हैं सब कोई आ जाएंगे तो बालक हो जाएगा जातिवाचक। और एग्जांपल दू, और उदाहरण दू तो लड़का, लड़की। लड़का का बात हो रहा है तो तुम लोग पूरे जाति के बारे में बात कर रहे हो, लड़की के बारे में बात कर रहे हो तो पूरे लड़कियों की जाति के बारे में बात कर रहे हो। अध्यापक, अध्यापक के बात कर रहे हो तो सारी टीचर्स के बारे में बात कर रहे हो। तो समझ गए कि जातिवाचक क्या होता है। चलो नेक्स्ट संज्ञा के बारे में जानते हैं, जो कि है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक क्या होता है? जिस संज्ञा सबसे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखे, बचपन, अपनापन, प्रेम, मित्रता, सफाई आदि। यानी कि समझ लो भाववाचक क्या होता है? फीलिंग होता है। सपोज तुम लोग वीडियो को देखते हुए बहुत ज्यादा खुश हो कि तुम लोग इस वीडियो को देख के फुल लाओगे इस चैप्टर से, तो तुम लोगों का जो खुशी है वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। सपोज वैलेंटाइन में कोई भी लड़का लड़की सिंगल है तो वो घर में बैठा हुआ बहुत दुखी होगा रील्स देखते हुए, तो वो जो दुख है वो भाववाचक में आ जाएगा। और हाँ यार, सिंगल लोग इस वीडियो को जरूर लाइक करना और बताना कि तुम लोग सिंगल हो कि डबल हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं पार्ट में। आई होप भाववाचक क्लियर होगा। आगे हम लोगों का कौन सा है? समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? वह शब्द समूह जिसका उपयोग किसी वस्तु, व्यक्ति के समूह का बोध कराए, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, समूह मतलब पूरा गैंग, और गैंग को हिंदी में बोलूं तो ग्रुप, और ग्रुप को दूसरे वर्ड में बोलूं तो समूह। उदाहरण की हेल्प से बताओ तो कोई भी सभा है तो सभा यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा समूहवाचक। कक्षा हो जाएगा तुम्हारा समूहवाचक के अंदर। मेला, झुंड, ये सारे आते हैं समूहवाचक संज्ञा में। अब हमारा नेक्स्ट संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। शब्द जो वस्तु के तरल, ठोस, अधातु, धातु, पदार्थ, द्रव्य आदि के होने का बोध कराते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल वे से मेरे लैंग्वेज में समझो तो अनकाउंटेबल चीज जिसे तुम लोग गिन नहीं सकते हो, उसे तुम लोग कह सकते हो कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगर उदाहरण देके बताओ तो हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है तो तुम इसे गिन नहीं सकते हो, तो हवा तुम्हारा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। वहाँ देखो बहुत ज्यादा पानी बह रही है तो तुम लोग पानी को गिन तो नहीं सकते हो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे ही तेल, घी, दूध, जमीन, आसमान, ये सारी चीजों को तुम लोग गिन नहीं सकते हो, तो सिंपल वे में तुम लोग समझ जाओ कि ये सारे आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हमारा यहाँ संज्ञा का पोस्टमार्टम होता है कम्प्लीट। चलो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।
टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा सर्वनाम। और हाँ यार, चैनल पे नए हो गए थे, सब्सक्राइब किया है कि नहीं, गद्दारी मत करना, सब्सक्राइब कर देना। तुम लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ मैं भी। जितना मेहनत तुम लोग नहीं कर रहे उतना मेहनत मैं कर रहा हूँ। जितनी टेंशन तुम लोगों को नहीं है तुम्हारे एग्जाम के लिए, उतना टेंशन तुम्हारे भाई को है। सब्सक्राइब जरूर करना। चलो सर्वनाम को समझते हैं। सर्वनाम के बारे में भी तुम लोग एकदम छुटकू से जब हो गए ना, तब से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि सर्वनाम क्या होता है। सर्वनाम बेसिकली संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सारे सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण दूं, मैं, तुम लोग, आप, हम और भी ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल है, सारे सर्वनाम के उदाहरण में आते हैं। वाक्यों की हेल्प से उदाहरण दूं तो कुछ उदाहरण देख लो। मैं खाना खाने जा रहा हूँ, तो मैं संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया है, तो मैं तुम्हारा हो जाएगा सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, तो तुम यहाँ हो जाएगा सर्वनाम, क्योंकि संज्ञा की जगह इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम की जगह किसी का नाम आ जाता, राम तुम क्या कर रहे हो, तो राम फिर हो जाता संज्ञा और ये संज्ञा में चला जाता। उसके बाद है, तुमने चैनल को फॉलो किया है कि नहीं, ये भी आ जाएगा तुमने, यहाँ पे हो जाएगा सर्वनाम। आगे है, तुम लोग इतने खुश क्यों हो, तो तुम आ जाएगा तुम्हारा सर्वनाम में। तो अब चलो हम लोग सर्वनाम के अलग अलग भेदों के बारे में भी जान लेते हैं। यार मुझे पता है कि सर्वनाम के बहुत सारे भेद हैं, जिसके कारण तुम लोगों को याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती होगी। इसलिए मैं तुम लोगों के लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। दो वर्ड्स याद रखना, अनाप सनाप। ये दोनों वर्ड्स में, ये दोनों शब्द में तुम लोगों को जितने भी भेद है सारे भेद आ जाएंगे। जैसे कि अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, न से निजवाचक और प से प्रश्नवाचक। तो देखा कितना सिंपली सारे भेद हम लोगों को याद हो गए। तो अब चलो हम लोग जितने भी भेद है ना सबको पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अब तो हमारा पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन भेद आते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, सेकेंड है मध्यम पुरुष, थर्ड है तुम्हारा अन्य पुरुष। तो इन तीनों भेदों को तुम लोग जान जाओगे ना, तो खुद ब खुद पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है वो पता चल जाएगा। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, ऐसे शब्द जो तुम लोग खुद को डिनोट करने के लिए यूज करते हो वो सारे शब्द तुम्हारे उत्तम पुरुष में आएंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा मैं कल घूमने जा रहा हूँ, तो मैं खुद को डिनोट कर रहा हूँ मैं बोल के, तो मैं हो जाएगा तुम्हारा उत्तम पुरुष। एक और उदाहरण दूं, तो मैं बोलूंगा हम लोग कल चेन्नई जा रहे हैं घूमने के लिए, तो जो यहाँ हम हो गया वो तुम्हारा आ जाएगा उत्तम पुरुष। अब हमारा नेक्स्ट भेद है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष ऐसे शब्द होते हैं जो तुम लोग दूसरों को डिनोट करने के लिए यूज करते हो। जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो तुम है वो तुम्हारा आ जाएगा मध्यम पुरुष में। या फिर तुम्हारे सामने कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा है, तो तुम लोग आप बोल के डिनोट करते हो। तुम लोग पूछते हो ना आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे जो आप है वो तुम्हारा आ जाएगा मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष क्या होता है, अन्य पुरुष यानी कि थर्ड पर्सन, यानी कि तुम तीसरी की बात कर रहे हो। जैसे कि बोलोगे वो लोग कल कहीं घूमने गए थे, तो यहाँ पे वो हो जाएगा तुम्हारा अन्य पुरुष। एक और उदाहरण दो, तो मैं बोल सकता हूँ कि वे लोग तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो वे है वो तुम्हारा आ जाएगा अन्य पुरुष में। मैं तीसरी की बात कर रहा हूँ कि वे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो समझ गए उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष क्या होते हैं। तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट भेद को बहुत ही अच्छे से जान लेते हैं। तो नेक्स्ट भेद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सपोज मैं बोलूंगा यह चैनल मेरा है, तो यार मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंटली निश्चित तौर से कि ये जो चैनल है ये मेरा है। तो वे सब जो तुम लोगों को बताते हैं कोई भी निश्चित चीज कि वो जो पर्टिकुलर चीज है वो एक इंसान की है, वो मेरी है, तो ये सारे जो शब्द आ जाएंगे वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे कि मैं बोलूंगा ये जो मेरी मोबाइल है ये मेरी है, तो मैं एकदम कंफर्म वे से बोल रहा हूँ कि ये जो मोबाइल है ये मेरी है। तो यहाँ पर जो ये शब्द है ना वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। एक और एग्जांपल दूं, तो मैं बोल सकता हूँ वह मेरी बोतल है, तो जो वह है वो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा, कि ये सियोरिटी दिखा रहा है कोई भी चीज के लिए कि निश्चित तौर से ये मेरा है। अब हमारा नेक्स्ट भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई भी चीज जिसके लिए तुम श्योर नहीं हो उसमें तुम लोग कह सकते हो कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में है। जैसे कि कल कोई मेरे घर पे आया था, तो कोई जो वर्ड है, शब्द है, ये आ जाएगा तुम्हारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो ऐसे शब्द जो तुम लोगों को दिखा रहा हो, बता रहा हो कि तुम एकदम श्योर नहीं हो कोई चीज के बारे में, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में वो सारे शब्द आ जाएंगे। नेक्स्ट भेद है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ईजी है, कौन, क्या, किस लिए, ये सारे जो शब्द है ना क्वेश्चन मार्क वाले, वो सारे जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा क्या तुम मेरे दोस्त के भाई हो, तो जो क्या है वो तुम्हारा प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट वेद है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी चीज के बारे में संबंध बता रहे हो वो सारे शब्द आ जाएंगे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। फॉर एग्जाम्पल जिसकी, उसकी, जो, वह, जैसे, वैसे, ऐसे सब जहां पर भी तुम लोगों को दिख गए समझ जाना कि ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ गया है। तो अब हमारा आखिरी भेद है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम से ही तुम लोगों को पता चल रहा है कि आखिर में ऐसे कौन से शब्द इसके अंतर्गत आएंगे। निजी शब्द जो तुम लोग अपनी चीजों के लिए यूज करते हो वो सारे इस सर्वनाम के अंदर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल खुद, स्वयं, अपने, आप आदि, ये सारे शब्द तुम्हारे निजवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो अब चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है तुम्हारा विशेषण। और लोड बिल्कुल भी मत लेना, लास्ट में हम लोग सैंपल पेपर के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस बार लेटेस्ट रिलीज हुए हैं, तो क्वेश्चंस की बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। क्रिया का टॉपिक बहुत ज्यादा इजी है। क्रिया क्या होता है, यानी कि खेलना, कूदना, दौड़ना, उछलना, ये सारी चीज क्रिया होती है। यानी कि हमारी जो भी एक्शन हम कर रहे होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में वो सारी चीज क्रिया के अंदर आती है। अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है। अब क्रिया, कुछ क्रिया का एग्जाम्पल देख लेते हैं। खेलना, आना जाना, कूदना, नाचना, पीना, चलना, नहाना, ये सारी चीजें हमारी क्रिया में आ जाती है। कुछ उदाहरण हम लोग सेंटेंस में भी देख लेते हैं। रोहन ने खाना खाया, तो रोहन जो है वो खाना खा रहा है, तो वो एक क्रिया कर रहा है, एक्शन कर रहा है, तो वो आ जाएगा हमारा क्रिया, बेसिकली ये क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। मोहन नाचता है, तो जो मोहन है वो डांस कर रहा है, नाच रहा है, तो वो भी क्रिया आ जाएगा क्योंकि वो एक्शन कर रहा है कुछ, ठीक है। अमन दौड़ता है, अमन दौड़ रहा है, तो वो भी क्रिया कर रहा है। समझ गया क्रिया क्या होता है। अब क्रिया के दो भेद होते हैं, तुम्हारे स्क्रीन में टेम्पलेट है, दो भेद क्या होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ये भी बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है। सकर्मक क्रिया क्या होता है, सकर्मक क्रिया वो क्रिया होता है जिसके साथ कर्म होता है। और अगर एक और एग्जांपल दूं, एक और चीज बोलूं पहचानने के लिए, तो सकर्मक क्रिया वो होता है जहां पे प्रभावकर्ता के अलावा किसी और पे भी पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल शीला पानी पी रही है, तो शीला पानी पी रही है तो ये समझ आ रहा है कि वो क्रिया कर रही है, कुछ एक्शन कर रही है, तो यहाँ पे प्रभाव पानी पे पड़ रहा है क्योंकि पानी कम होते जा रहा है, तो ये बेसिकली हम लोगों का आ जाएगा सकर्मक क्रिया में। एक और एग्जाम्पल दू तो राम केला खा रहा है, तो जब राम केला को खा रहा है तो केला धीरे धीरे कम हो रहा है और एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जो प्रभाव है वो किसी और चीज पे पड़ रहा है, तो तुम लोग कह सकते हो कि एक सकर्मक क्रिया है। अब हमारा नेक्स्ट वेद है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है, जहाँ कर्म नहीं होता है। और दूसरे वे से समझो, प्रभाव जब कर्ता पे ही बस पड़ रहा है, सपोज राम दौड़ रहा है, ठीक है, तो राम दौड़ रहा है तो बस प्रभाव उसी पे पड़ रहा है, वो दौड़ रहा है तो और वो किसका नुकसान कर रहा है, किसी चीज भी नहीं। राम दौड़ रहा है तो किसी भी चीज पे अन्य में प्रभाव नहीं पड़ रहा है, प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो तुम लोग कह सकते हो कि ये सारी चीज अकर्मक क्रिया में आता है। जैसे कि शीला हंसती है, तो शीला हंस रही है तो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, उस पे, खुद पे, कर्ता पे पड़ रहा है, तो तुम लोग कह सकते हो कि ये अकर्मक क्रिया पे आ जाता है। तो आप समझ गए सकर्मक अकर्मक क्या होता है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को बेसिकली हम लोग विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल राधा सुंदर है, तो सुंदर यहाँ पे क्या है, विशेषण है, और जो राधा है वो विशेष हो गए। यानी कि बेसिकली जिसके बारे में तारीफ की जा रही है, जिसके बारे में गुण किसी की बताई जा रही है, राधा सुंदर है, तो सुंदर जो है उसकी विशेषण हो जाएगी और जो राधा है वो विशेष हो जाएगी। वैसे ही मोहन अच्छा गाता है, तो मोहन के बारे में बात की जा रही है, तो मोहन विशेष हो गया और अच्छा हो गया विशेषता। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। राकेश एक लंबा लड़का है, तो राकेश विशेष हो गया, उसके बारे में बात की जा रही है और उसकी विशेषता है जो लंबा, वो विशेषता हो गई उसकी। चलो समझ गए आपकी विशेषण क्या होता है। अब मेन चीज आते हैं इसके भेदों पे।
भेद कितने होते हैं? भेद होते हैं 4 टोटल, 4 के अंदर भी कई कई भेद आते हैं, चलो देख लेते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, गुण यानी कि किसी की खासियत बताना। तो सपोज मैं बोल दूंगा कि जो ऊंट है वो बहुत लंबा है, तो ऊंट की मैं जो तारीफ कर रहा हूँ कि वो लंबा है, तो ये आ जाएगा गुणवाचक विशेषण। मैं बोल दूंगा कि जो कुत्ता है वो बहुत गोरा है, तो जो गोरा शब्द है वो गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। कि सपोज मैं बोलूं रोहन एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, तो जो ईमानदार शब्द है वो तुम्हारा बेसिकली आ जाएगा गुणवाचक विशेषण में, क्योंकि उसका ये जो ईमानदारी जो खासियत है वो उसका गुण है। यानी कि किसी भी चीज के गुण के बारे में बात की जा रही है तो वो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्या मतलब नंबर्स, कि कितने नंबर्स में कोई चीज है। अगर कोई भी चीज नंबर्स में उसकी विशेषता के बारे में बताई जा रही है तो वो बेसिकली संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। इसके दो भेद होते हैं, पहला है अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि जिसके बारे में जिसकी संख्या के बारे में हम लोगों को पता ना हो वो तुम्हारे बेसिकली अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ, कई, अनेक, बहुत से। सपोज मैं बोलूंगा कुछ लोग कल घर में आए थे, तो कुछ के बारे में हम लोगों को पता नहीं है कि कितने लोग आए थे, तो ये बेसिकली अनिश्चित संख्यावाचक में आ जाएगा। सेकेंड है हमारा निश्चित संख्यावाचक। सपोज तुम लोगों को बोल देगा एक जो आदमी था पूरे ग्रुप में वो दौड़ने में बहुत ज्यादा तेज था, तो यहाँ हम लोगों को संख्या के बारे में पता चल रहा है कि एक आदमी के बारे में बात की जा रही है। सपोज और भी हम लोगों को वाक्य में किसी भी नंबर्स के बारे में बता दिया जाएगा, सपोज 5, 14, 10, 20, ऐसी संख्या के बारे में हम लोगों को क्लियरली मेंशन रहेगा कोई भी वाक्य में, तो वो आ जाएगा निश्चित संख्यावाचक। अब हमारा नेक्स्ट भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण से बस तुम लोग समझ लो, नापने तोलने की बात जहां पर भी आएगी समझ जाना कि ये परिमाणवाचक विशेषण है। फॉर एग्जाम्पल जहां पर भी तुम लोगों को ये सब दिख जाएंगे, कम, थोड़ा, कुछ, अधिक, तनिक, जरा सा, ये सारे सब जहां पर भी तुम लोगों को दिख गए ना, तो समझ जाना कि ये अनिश्चित परिमाणवाचक है। नेक्स्ट है हमारा निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, 1 मीटर, 2 किलो, 4 लीटर, यानी कि जहां पर भी तुम लोगों को परिमाण में नाप तोलने में तुम लोगों को संख्या के बारे में बता दिया जाए कि 1 लीटर दूध ले आना, ठीक है, तो तुम लोगों को बोल दिया गया कि 1 ही लीटर लाना, तो संख्या के बारे में बता दिया गया, ठीक है, नापने तोलने एक पर्टिकुलर नंबर के बारे में बता दिया गया है, तो वो सारे शब्द आ जाएंगे हमारे निश्चित परिमाणवाचक में। अब हमारा आखिरी भेद है सर्वनामी विशेषण, यानी कि ऐसे शब्द जो सर्वनाम से पहले लग जाते हैं वो सारे शब्द सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारे चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबा हो रहा है एंड बहुत सारे टॉपिक्स अभी भी कवर अप करने बचे हुए हैं, तो पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि पार्ट 2 में हम लोग अविकारी पढ़ेंगे, उसके साथ लिंग, वचन, कारक, ये सारी चीजें के साथ साथ हम लोग सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, चैनल के हर जगह पे मिल जाएगी। इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ ही देर बाद पार्ट 2 भी आ जाएगा, पार्ट 2 बिल्कुल भी मिस मत करना, और साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और चैनल पे नए हो गए सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।